हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी का भाई। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपनी चाची के घर साहिबाबाद। तो भाई आज से, मतलब आज और कल मैं वहाँ के फूड ब्लॉग और सब कुछ शूट करूँगा और अपनी सारी जर्नी आपको दिखाऊँगा। सो ट्रैवल प्लस फूड ब्लॉग हो जाएगा ये। तो बाहर का वेदर भाई बहुत ही बढ़िया हो रखा है। ये देखो बादल बादल सब निकल चुके हैं और पेड़ एज यूजल बहुत अच्छा लग रहा है। तो टाइम हो रहा है अभी 5 बज गए भाई। तो वहाँ पे मुझे जो बताया मेरे कज़न ने कि शाम के टाइम ज़्यादा मतलब रहता है खाने पीने का, तो वो शाम के टाइम ही निकलते हैं। तो मैं ठीक ठीक टाइम से निकल रहा हूँ यहाँ पे। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में मेट्रो से ही। तो भाई मैं निकल रहा हूँ अब। सो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, लेट हो रहा भाई। भाई भाई लेट हो गया यार काफ़ी यार। रिक्शा विक्शा पकड़ते हैं यहाँ से जल्दी, मेट्रो स्टेशन चलते हैं। 5-6 हो गए भाई। भाई भैया को मैंने रोक लिया, अब चल रहे हैं मेट्रो स्टेशन। भैया मैं मेट्रो की सीढ़ी उतर रहा हूँ, जल्दी 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 जल्दी। इस तरह चलना है भाई। तिलक नगर से राजीव चौक, राजीव चौक से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से बदल के दिलशाद गार्डन वाली पकड़नी पड़ेगी अगर आपको राजबाग जाना है, जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ चाची के यहाँ। बड़ा ही हेक्टिक टूर है ब्रो, भाग दौड़ वाला। तो बस कश्मीरी गेट पे वेट कर रहा हूँ मैं। रेड लाइन पे पड़ता है राजबाग, जो मुझे मेरे बहन ने बताया। वही बैठेंगे इस पर, चलेंगे अभी घर से। मैं कितने 5-6 हो रहे थे ना भाई, 6-4 हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है। मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ मैं और ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट ग्राउंड लगा। अब बहन आई थिंक नीचे वेट ही कर रही होगी मेरा। मैंने उसे 2 स्टेशन पहले कॉल कर दिया था, बाकी देखते हैं भाई है कि नहीं, वरना वेट करते हैं। बहन लेने आ गया मुझे, वो देखो। चलते अब बहन के साथ, चलिए हम घर चल रहे हैं ना यहाँ से सीधा। भाई अभी हम घर जा रहे हैं, घर तक की चंडी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। चली सवारी ये राजबाग से अपना घर कितनी दूर होगा? 5 मिनट। भैया मास्क लगा लो यार। वो भाई थैला उठा के मारता मेरे मुंह पर भी। तू बताएगा मुझे। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे और अब बस वेट करते हैं अक्कू के आने की, मेरा भाई आकर्ष। भाई अब हम घर से निकल गए हैं और गाड़ी में बैठ के जाएंगे अब हम। हम मेट्रो से आए और हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। गाड़ी कहाँ है भाई हमारी? ये मिल रहा, मेरी बहन आकृति, और हम दोनों सेम एज की आई थिंक। हाँ, और 10 दिन, ये 10 दिन बढ़िया मुझसे। और भाई आकर्ष सामने से गाड़ी लेके आ रहा। अब हम निकल गए हैं, ये देखो सामने। आकर्ष हम कहाँ जा रहे हैं भाई? ये पहले मेरे भाई से मिल लो, आकर्ष शर्मा, ठीक है? और अब हम कहाँ जा रहे हैं बता जल्दी। गाजियाबाद घंटाघर। गाजियाबाद घंटाघर। हाँ। और हम खाने के जा रहे हैं अभी, चाट टिक्की और जो आप कहोगे। चाट टिक्की, अच्छा, ये सारी फेमस चीजें हैं ना जो यहाँ की ट्राई कर रहा हूँ मैं। चीले मूंगलेट। चीले मूंगलेट भैया, तो हम मार्केट सारी कवर करते हुए दिखाता रहता हूँ मैं। अपने घर से कितना दूर होगा वो? करीबन करीबन 16 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। हाँ। इसके
आसपास हिंडन एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट चल रहा है ये भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे हिंडन एयरपोर्ट चल रहा है। ये देखो भाई, ये लैंडमार्क आ गया हिंडन का प्लेन, और ये एंट्री है भाई एयरपोर्ट की। भाई ये घंटाघर से एंट्री ले रहे हैं हम, ये देखो ये क्या है, जवाहर गेट। हाँ भाई गेट देख लो पूरा, तुम चलिए जी। झूठ बोल रही भाई, अभी हम हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, और बहन बता रही है यहाँ पे हमारे दादाजी भी आ रखे हैं, हमारे यहाँ पे दादाजी आ रखे हैं, तभी चाचा को इसकी सारी मतलब पता है, और हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आती है। तो मैं आई थिंक यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, मुझे पहली बार याद भी नहीं आ रहा। चलते हैं भाई, मार्केट तो मैं दिखाता हूँ कैसी है, देखिए मार्केट भाई काफ़ी फैली हुई मार्केट है, ये क्राउडेड ही है मोस्टली। चलिए चलते हैं फिर मंदिर पर। ये भाई जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, ये बहन बता रही है पहले इतना भी मंदिर नहीं था, और ये जो लाइन लग रही है ना, ये लाइन ऐसे रोड से लगती थी, तो वैसे ट्रैफिक भी तुम देख सकते हो कितना हो रहा है भाई, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर। आकर्ष अभी अंदर गया वो दर्शन करने, जैसे ही आकर्ष आता है हम भाई खाने पीने चलते हैं। भाई प्रसाद लेके आया, ला दे प्रसाद, दे प्रसाद आ गया, चलो चले। कहाँ के खा रहे गोलगप्पे, ये यहाँ के भाई, यहाँ के गोलगप्पे ट्राई कर रहे, भीड़ देख रहे हो तुम कितनी हो रही है, बंदे बंदा चढ़ रहा है। अब मालिक किसकी बना रहे हो, ये हमारी है, ये हमारी बन रही है भाई, नाना दिखाई दे रहा है। ये भैया अपनी ये जो सेटअप है कितने टाइम पुराना होगा, ये कम से कम 40 साल। भैया के ये देख लो भाई, 21 ये सारे तो भैया ने बाउल रखे हुए हैं। भैया ने आलू वगैरह पापड़ी बल्ले सब आ गए, तो चने भी आ गए, नमक डाला। अब इसको टेस्ट करते हैं, तुम्हें बताते इसका टेस्ट कैसा, बता क्यों कैसी लग रही है। मैं तो भाई बढ़िया लग रही है, हमारा आपसे काम है यहाँ पर, ये करीब 40 साल हो गए, 40 साल पुरानी लग रही है। कैमरा हमारी बहन आज प्रीति ने पकड़ा हुआ है। बस कर दे अल्टीमेट ब्रो, कैसी लग रही है आपको? हम तो बचपन से आ रहे हैं, हमें तो अच्छी लगेगी। आकाश भाई बचपन से आ रहे हैं, कैसी लग रही है? ये जो बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही है पापड़ी है ये? बेसिकली ये गोलगप्पे ही है, उनको एज अ पापड़ी डाल रखा है। अच्छा, उसमें दही चटनी तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, आलू उन्होंने शायद ऊपर से डाला है। हाँ, ये बड़ा है भाई, ये पापड़ी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो बेसिकली गोलगप्पे हैं, आपको सही सही कह रहे हैं, ये देखो ये गोलगप्पे हैं भाई। आशा वो आंटी पूछ रही थी चैनल का नाम बता दियो। बढ़िया लग रहा भाई, गोलगप्पा तो ऑसम है भैया की। और क्या क्या स्पेशलिटी है? गोलगप्पे हैं, बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं,
आपको भी गोलगप्पे भी ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं गोलगप्पे कैसे हैं। ये तो भाई रिकमेंडेड है, ये क्या चीज़ है, भल्ले पापड़ी है ना ये? ये भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये देखो गाजियाबाद के घंटा घर में। भाई भैया आप गोलगप्पे बना बना के दे रहे हैं, पहले तू टेस्ट कर। कैसा लग रहा है? बढ़िया टेस्ट आ रहा है। पैसे देखिए खा रहे आंटी, अब तो फ्री का टाइम आएगा अपना भी। तो चलो अभी भाई आंटी सब्सक्राइबर मिली है मुझे, मेरा चैनल ओपन करवाया आंटी ने। आंटी ने सब्सक्राइब करा मेरा चैनल। मैं लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, इसके बाद अब आगे जाके खाऊंगा। ये भी लास्ट गोलगप्पा मेरा। अभी जो मैंने गोलगप्पे ट्राई करे हैं और जो मैंने भल्ले पापड़ी ट्राई करी है, इसकी लोकेशन ये गाजियाबाद घंटाघर ही है, तो आप लोग आओ, यहाँ पे बिल्कुल मंदिर के सामने ही है सर। अब हम आ गए हैं भैया हाथरस चाट भंडार, दो प्रिपेयर कर दो भैया, भैया के पास चले जाओ। भाई बनते हुए दिखाते तुम्हें ये, देखो नहीं मीठी मेरे में से और गरम गरम भैया ने यही बदल गए हैं। देखो भाई हमारे सामने आ गई है, एक और प्रिपेयर हो रही है, दो बनवा रहे हैं ना। अभी दूसरी भी आ गई है, ये देखो भाई कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये, और इसका टेस्ट करते हैं बता दें तुम्हें कैसी है। भाई ये देख लो, ये गर्म तो लग रही है, अब पता नहीं मुंह में जाके क्या कर रही है। गर्म तो ठीक है, कैसा लग रहा है टेस्ट? तूने ट्राई करी? हाँ बचपन से। अभी वो टेस्ट गरम क्यों है ये देख लो भाई। भैया यहीं पे गरम गरम तेल में प्रिपेयर करते हैं। भैया आपको टाइम कितना हो गया यहाँ पे? 27 साल हो गए यहाँ पे। ये सेम जगह पे आप खड़े होते हो हर बारी? नहीं, हम 7:30 बजे के बाद आते हैं यहाँ। अच्छा 7:15 बजे के बाद आते हो। ये देख लो उससे पहले भैया कह रहे आगे जो चौराहा है वहाँ पे, तो लोकेशन तो भैया घंटाघर। भाई टेस्ट तो बढ़िया लग रहा है, तो प्रॉपर चना डाला हुआ है ये देखो, और दही डाली हुई, चटनी डाली हुई है, सौंठ है, हर चीज़ का अपना अलग अलग टेस्ट आ रहा है इसमें। और जो टिक्की की क्रंचीनेस है भाई, प्रॉपर कुक हो रखी है टिक्की, बढ़िया लग रही है। अब तो खा ले, टुकड़ा कर दिया तुमने, अबे हो ही नहीं रहे ना, हाथ से उठा ले। मेरा हाथ जल जाएगा भाई। ये देखो तुम कब से आ रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? बचपन से, हमें याद भी नहीं है हम कब से आ रहे हैं, बचपन से आ रहे हैं तब पता है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और मुझे तो टेस्ट भाई अल्टीमेट लगा, तो पापड़ी ट्राई करवाई थी वो भी बहुत अच्छी, और बोल रहे बहुत अच्छी, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा दोनों जगहों को। और गाजियाबाद घंटाघर में है ये, और हनुमान मंदिर के अपोजिट है सारी, हाथरस चाट भंडार है भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। भैया की जो टिक्की का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आओ ज़रूर ट्राई करो भैया की टिक्की, ठीक है। और ये देखो भैया भी वहाँ तो कुछ प्रिपेयर, ये क्या चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो आप? दही। अच्छा दही है, चलो भाई अब नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं।